रोटी कैसे लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है को? अच्छा। भोल नहीं, ये तो उड़िया में भोल लग रहा है बोलते। हेलो, मैं हूं फगन और आप सब उनको फिर से मेरा नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो आज बन रहा है रागी का रोटी। रागी का हम लोग मिलिंग किए थे, मिलिंग करने के बाद इस तरह के रोटी बनाते हैं। प्राची बना रही है और इस तरह प्रिया खा रही है। दिखाओ रोटी, दिखा दो, बड़ा वाला को दिखा दो। दिखाओ इस तरह का बनता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये हो गया रागी का रोटी। रागी को मिली की करके पानी से घोल करके चीनी और गुड़ गुड़ भी दे सकते हैं। तो इस तरह का बनाए हैं और इसमें तेल है, रिफाइंड तेल है, थोड़ा नमक और चीनी थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह के इसमें डालते हैं। ज़्यादा पतला भी करना नहीं है, इस तरह पतला नहीं करना है, इतना इतना मोटा रखना है इसको घोल के। पतला करेंगे तो ये नहीं बनेगा। प्राची को बनाने आता है, ये भी बन चुका है देखिए। नाश्ता में क्या रोटी खा रहे हो बताओ? हाँ रोटी है, क्या रोटी? मड़ुआ रोटी, मड़ुआ रागी का रोटी। नाश्ता में ये है और इसमें चाय बनाए हैं। इसमें चाय, देखिए चाय से चाय के साथ नहीं पी रहा, ऐसे ही खा रही, मीठा है तो ऐसे ही खा रही है। तेल आप डुबा, तेल दिए उसके बाद डालो। हेलो हेलो, ढक्कन ढको, ढक्कन ढको। हम लोग इसको चकुली पीठा भी बोलते हैं। चकुली पीठा वो चावल का भी बनता है, लेकिन ये रागी का है, चावल का नहीं है। ये जुगाड़ तेल लगाने के लिए जुगाड़ बनाए हैं। ये आलू का है, आलू और इसमें लकड़ी दे दिए हैं और इसमें तेल डाल रहे हैं। हम लोग के पास ऐसे नहीं है तो पूरा गोल बन रहा है। देखो एक्सपीरियंस होने से ऐसे गोल बनेगा और एक नए एक्सपीरियंस गोल नहीं बनेगा। ये रागी रोटी बना के खत्म कर दिए, थोड़ा सा है ये लास्ट है। तेल ज्यादा खाते हैं तो इसको साइड साइड बाद थोड़ा तेल भी दे सकते हैं। इसको दो ही बार पलटाना है, दो ही बार पलटाने से भी पक जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा तेल देते हैं हल्का हल्का। खत्म हो गया, चाय है। आप सब्जी के साथ में भी खा सकते हैं।